हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको स्वागत है फिर से एक और नया व्लॉग के साथ। आज हम लोग जा रहे हैं बस्ती पूरा एक साल के बाद। आफ्टर 1.5 ईयर आज फाइनली हम जा रहे हैं अपना नेटिव विलेज में। अभी हम लोग ऑलमोस्ट हम लोग का अपना बस्ती पहुंचने वाला है। अभी हम लोग इन द मिड्स ऑफ जंगल है। एक्चुअली हम पहले से वीडियो व्लॉगिंग करेगा सोच रहा था, लेकिन नहीं कर पाया बिकॉज बच्चा के साथ बहुत तकलीफ हो रहा था व्लॉगिंग करने के लिए। ये है बीवी भी जर्नी करके आधा मरा हो गया। अभी हम लोग आधा रास्ता पे से रेस्ट करने के लिए रुके हैं। और ये है बहुत ही जंगल है। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि आज अभी हम लोग ये रास्ता से जा कर करके उधर जाना है। वी हैव टू क्रॉस दैट, ये रास्ता, उस रास्ता पे जा रही है। और हम लोग का बस्ती उस पहाड़ के पीछे है। एक्चुअली माय विलेज इज वेरी फार एंग्लैंड बॉर्डर में है। तो ये है हम लोग का बस्ती का नया खेती। अभी पहुंचते दिखा देती हूँ। यहाँ से उधर जाएंगे। माय विलेज इज एट द बैक ऑफ दैट माउंटेन, सो आई विल बी शोइंग यू। मम्मी, बेबी, ओ हाय हाय करो तो। हाय हाय। एक्चुअली बेबी का तबीयत भी इतना कुछ खास नहीं है, पर खांसी हो रहा है। गम गम देखो तो बीबी, गम गम ए हाय करता। हाय गाइस, एक्चुअली हमारा बस्ती पहुंचने के लिए बहुत सारे टाउन एंड विलेजेस एंड जंगल्स जंगल पार करना पड़ता है। और ये है शॉर्टकट रोड। व्हेन वी वर वेरी स्मॉल, जब पहले ज़्यादा गाड़ी वाड़ी का फैसिलिटीज नहीं था, तब आई स्टिल रिमेम्बर हम जब हॉस्टल में था, हम लोग जब छुट्टी आता था जाता था, वापस लौटते समय ये शॉर्टकट रास्ता से जाया करता था। एंड बहुत थक के आधा मोरा हो जाता था। एंड यहाँ पे मदर एंड सन फोटो सेशन चल रहा है। ये है हमारा बस्ती का रास्ता, ऑन द वे टू माई विलेज। गाइस देखिए, ये हम लोग का छोटा सा गाड़ी में बढ़ती सामान लोड हो गया, एक दूसरे को भी दिखाई नहीं पा रहा है। बस्ती जाने के लिए क्या क्या सामान लेना पड़ता है, तो ओवरलोडेड हो गया। करना पड़ता है ये सब, जितना भी यहाँ पे ग्रीन पत्ते हैं, क्या क्या सब है, ये सब ऑर्गेनिक वाला है, खा सकते हैं सब्जी वगैरह के लिए। पर यहाँ पे लोकल आदमी लोग, हम लोग का बस्ती वाला लोग तो अपना ही खेतों से खाता है, अवेलेबल है सब्जी वगैरह, इसलिए नहीं खाता है। पर ये सब ईटेबल वाला वेजिटेबल्स है सब। और मैं बता दूँ कि एक्चुअली लोंगखाव बस्ती है, हम लोग का बस्ती का नाम लोंगखाव है। तो लोंगखाव बस्ती बहुत ज़्यादा टूरिज्म लोग भी आते हैं। लकड़ी फायरवुड कलेक्ट करके रखे है बस्ती वालों ने। इतना सारा लकड़ी सकड़ी जमा करके रखी है बस्ती वालों ने।
और ये खेती का नाम है तोंगसा। इस बार ये तोंगसा का नाम में हम लोग का फेस्टिवल इस नाम में होगा। और यह फेस्टिवल जो हर साल एवरी ईयर का जो नया खेत आता है उसी नाम में हम लोग फेस्टिवल करते हैं। और हम लोग पहले वाला पहाड़ से आया था, उस ऊपर वाला पहाड़ से। और एक्चुअली हम बेबी को पकड़ के वीडियो व्लॉगिंग कर रहे हैं, इसलिए अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। अभी दिन अच्छी तरह से करके दिखाएंगे। और आज का मौसम भी थोड़ा फोगी है, इतना ब्राइट नहीं है। ब्यूटीफुल सनसेट यहाँ से 2-3 किलोमीटर ही होगा। स्टेशन रहता है तो ऐसे कुछ ओकेशंस होने से, फेस्टिवल और या कुछ ओकेशंस होने से आता है यहाँ पे। पहुँच गया है फाइनली, बस्ती पहुँच गया। और ये देखिए, ये तो इतना वेरी टाइनी, एक्चुअली शी इज ऑलमोस्ट 6-4 इयर्स, बट लुक सो वेरी टाइनी। इतना छोटा सा है और इतना पिक लुक एट हिम। ये है बस्ती का लाइफ, बेचारा अपना भाई बहन को ऐसे केयर करता है बस्ती में। और वो छोटा वाला इसका बहन है। ये है लोंगखाव विलेज का व्यू, आधा व्यू है। और उस माउंटेन का पीछे है नागालैंड, और उस पार तरफ है म्यांमार।